Simpa pa balubila, platnija na Manila, plaća ku balubila, a na jevu polovina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Friends, kaise hain aap sab? Main aapke liye aaj leke aayi hoon Arvi. Arvi ki bhujia banaungi main, jo chatpat banne wali hai aur bahut maze ki banti hai. Time bhi nahi itna lagta aur jaldi ban jati hai. तो मैं आज ये मैंने अरवी ली है, मैंने आधा किलो अरवी लेके इसको मैंने छील लिया, ठीक है। अब इसकी कटिंग करनी है, वो मैं आप कटिंग करके फिर मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने काट लिया इस तरह से, ये देखें, ये मैंने काट लिया और ये देखें ये, ठीक है। अब आप चाहे तो इसको लंबी, वो जो लंबी शेप भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से काट लिया, ठीक है। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी, ये मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, ठीक है। इसको मैं ये नमक डाला है, ये थोड़ा सा मैंने नमक डाला है, और इसको मैं ये स्पून की मदद से इसको मिक्स करूँगी, ठीक है। ये देखिए, इसको मैं ये मिक्स किया मैंने, ठीक है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, इसमें को ये मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, ठीक है। ये मैंने पानी डाल दिया थोड़ा सा, तो इसके बाद ये मैं ये जो है ये जिसके साथ ये इसको मैंने मिक्स किया है फिर, ठीक है। ये इस और अब ये जिसके साथ ये लाइट नहीं होती तो हम लस्सी वगैरह बनाते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ी देर इसकी ना इसके अंदर ऐसे से करूँगी, और इसके अंदर जो इसकी वो होती है लेसें वगैरह होती हैं, तो ये इससे मैं निकालूँगी, ठीक है। ये देखें इस तरह करके, तो ये थोड़ी सी पानी आ रही है, इसको मैं डाल लूँ, और ये देखें इस तरह करके इसकी लेसें वगैरह निकाल लूँ, ठीक है। ये इस तरह करके इसकी लेसें निकाल ली हैं, और ये देखें ये पानी का कलर ये देख लें कैसा हो गया, ये नज़र आ रहा है आपको, ये देखें पानी का कलर, ये इसके अंदर जो लेसें होती हैं ये वो निकल रही हैं, ठीक है। इसको ऐसे करके ये थोड़ी देर हम ऐसे करेंगे, फिर इसको वॉश करना, ये देखें ये इसकी वो जो लेस है, ये देखें, ये पानी कम था तो मैंने थोड़ा सा पानी और डाला है, ठीक है। इसकी वो जो लेस है वो निकल गई है, ठीक है। अब मैं इसको वॉश करूँगी और फिर मैं आपको बताती हूँ, ये मैं इसको वॉश करती हूँ आपको, तो ये मैंने धो लिया। अब ये देखें, ठीक है, इसकी वो जो लेसें वगैरह थी वो ख़त्म होगी, तो ये मैंने वॉश कर लिया। और ये मैंने एक छोटा सा प्याज लिया था, इसमें बड़ा प्याज नहीं जाएगा, और ये मैंने वो कट कर लिया छोटा सा प्याज लेके, ये 2 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है और मैंने उसको क्रश कर लिया, और 2 टमाटर लिए हैं मैंने, ये मीडियम साइज़ के हैं 2 टमाटर, तो वो मैंने क्रश कर लिए हैं। और इधर मैं ये 1.5 टीस्पून जो है वो नमक डाल रही हूँ, और 1.5 टीस्पून मैं मिर्च का डाल रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर, ठीक है, और 1/2 टीस्पून जो है वो मैं हल्दी डाल रही हूँ, ठीक है। तो ये मैं ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें नहीं बनाती, क्योंकि झटपट बनने वाली और कम मसालों में बनने वाली तो बहुत मज़े की और यमी बनती है, बहुत मज़े की बनती है। ये मैंने फ्लेम ऑन किया है और ऑयल डाल दिया मैंने कढ़ाई में, ये ऑयल डाल दिया, और इसमें अब मैं प्याज डालूँगी, ये प्याज डालूँगी, ठीक है, थोड़े थोड़े ये प्याज डालूँगी। ऑयल मैंने डाला है 3 चम्मच डाला मैंने, यानी कि 2.5 से 3 चम्मच मैंने डाला है, ठीक। इसमें इसको मैं थोड़ा सा प्याज को फ्राई करूँगी, जैसे कि शैलो फ्राई करूँगी, थोड़े से ऐसे करूँगी। ये देखें, ये मैंने प्याज फ्राई कर लिए हैं, ये शैलो फ्राई किए हैं इस तरह के, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ये देखें, ये ठीक है,
और ये मैंने वो सारी मिर्ची वगैरह और नमक हल्दी ये मैंने डाल दिया है, और ये डाल के अब मैं इसमें अदरक डाल रही हूँ, ठीक है। ये मैं अदरक डाल रही हूँ, ठीक है। ये मिर्ची जले नहीं, ठीक है। ये और अदरक के ये थोड़ी सी अदरक को भून लें, इसका वो जो एक होता है ना कच्चा पानी वो ख़त्म हो जाए इसमें, तो ये डाल के अब इसमें मैं ये जो टमाटर क्रश किए थे ये डाल रही हूँ, ठीक है। ये मैं मसाला भून रही हूँ। मैं सब्ज़ियों में ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं डालती, क्योंकि झटपट बनाती हैं, बनने वाली रहती हैं मेरी और जल्दी बन जाती हैं, और मसाले भी कम, इतने ज़्यादा मसाले भी नहीं मैं यूज़ करती और हेल्दी भी होती हैं। अब इसमें ये मैं अरवी डाल रही हूँ। अब इसको मिक्स करूँगी। ये मैंने मिक्स कर लिया, ये देखो, ठीक है। कलर देखो कितना, कलर देखो। अब इसको इसके ऊपर मैं ढक्कन लगाऊंगी और इसको हल्की हल्के पकने के लिए इसमें पानी नहीं मैं डालूंगी, पानी के बगैर इसको मैं खाऊंगी। तो अब इसके ऊपर मैं ढक्कन लगाती हूँ और इसकी जब ये तैयार हो गया तो मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये पक गई है, ठीक है, तैयार हो गई है ये अरबी, ठीक है। ये इसकी मिशन है, इसका कलर देखें। ये देखें, ठीक है। अब इसमें ये रेडी है तकरीबन। अब इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चियाँ दो काट के रखी थी, ये मैं थोड़ी सी डालूँगी, ठीक है। और ये मैंने दो मिर्चियाँ, ये मुझे अच्छी लगती हैं, मुझे पसंद है, इसलिए ये कट लगा के और ये दो मिर्चें ये मैं इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। और इसके बाद ये हरा धनिया थोड़ा सा, ठीक है, ये मैं हरा धनिया डाल रही हूँ। इसको मिक्स करती हूँ और थोड़ी देर के लिए, 1 से 2 मिनट के लिए रखती हूँ। तो ये रेडी है। ये देखिए, ये बस मिक्स करना थोड़ा सा, इसमें कोई मैं गरम मसाला नहीं डालूंगी, मैं कुछ नहीं, कम मसाले में। और ये देखें कितनी यमी, कितनी मज़े की लग रही है। और देखें ऑयल भी, देखें ये देखें ये इसकी फाइनल लुक, और देखें कितना यमी लग रहा है ये, कितना इसका कलर देखें, और खाने में भी बहुत टेस्टी है, बहुत मज़े की है। ट्राई कीजिएगा और मुझे फिर आप कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। और ओके, अल्लाह हाफिज़।